हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉरमैन व्हील टाइप गियर बॉक्स के बारे में। जी हाँ, जैसे कि 4SNU का वॉरमैन व्हील गियर बॉक्स आता है, वैसे ही 6SNU का आता है, जिसे 6 इंच भी कहा जाता है। 4SNU को 4 इंच का गियर बॉक्स कहा जाता है। 7SNU का गियर बॉक्स, जिसे कि 7 इंच का गियर बॉक्स कहा जाता है। 8SNU का गियर बॉक्स, जिसे 8 इंच का गियर बॉक्स कहा जाता है। 10SNU का गियर बॉक्स, जिसे 10 इंच का गियर बॉक्स कहा जाता है। तो आखिर ये इंच जो है वो क्या, इसका क्या मतलब है, इंच का क्या मतलब है? 4 इंच, 6 इंच, 7 इंच, ये किसको मेजर कर रहे हैं? इससे क्या मतलब, हमें क्या जानकारी मिलती है कि आखिर 4 इंच का गियर बॉक्स बोलने से हमें क्या जानकारी मिलेगी, अगर हम 10 इंच का गियर बॉक्स बोलेंगे तो क्या जानकारी मिलेगी? तो ये इंच जो है वो किसके लिए है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। जैसे कि 4SNU यानी 4 इंच का गियर बॉक्स है, उससे बड़ा रहेगा 8 इंच का गियर बॉक्स या फिर 6 इंच का गियर बॉक्स। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे गियर बॉक्स का साइज बढ़ता जाएगा, उसका इनपुट पावर और आउटपुट पावर जो है वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आखिर इंच का क्या मतलब होता है। एक 6SNU का गियर बॉक्स है, आप देख सकते हैं ये उसका डायग्राम है। ये उसका इनपुट शाफ्ट है और ये उसका आउटपुट शाफ्ट है। तो इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 6 इंच होगा 6SNU गियर बॉक्स में। यानी कि ये इंच डिनोट करता है इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर डिस्टेंस। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि सेंटर डिस्टेंस जो है, 6SNU का गियर बॉक्स है यानी कि 6 इंच का गियर बॉक्स है, तो इनपुट शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट का सेंटर डिस्टेंस होगा 6 इंच होगा। 7SNU का गियर बॉक्स है 7 इंच का, तो ये डिस्टेंस 7 इंच होगा। 8SNU का गियर बॉक्स है यानी 8 इंच का गियर बॉक्स है, तो ये डिस्टेंस 8 इंच होगा। मतलब कि जो इंच डिनोट करता है वो गियर बॉक्स के इनपुट और आउटपुट शाफ्ट के, वॉरमैन व्हील टाइप गियर बॉक्स के सेंटर डिस्टेंस को डिनोट करता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता भी है, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, दोस्त कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं इससे आप समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स, सारे जो गियर बॉक्स हैं 4SNU, 6SNU, 8SNU, 10SNU, इन सब के बेयरिंग नंबर्स और ऑयल सील डिटेल्स के ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने डाल दी हैं। 4-5 वीडियो हैं, आप जाके देख सकते हैं। एलिकॉन गियर बॉक्स के कौन से इंच के गियर बॉक्स में कौन सा बेयरिंग नंबर और कौन सा ऑयल सील लगेगा, उसकी पूरी डिटेल है आपके पास। इस टाइप के गियर बॉक्स, ये वॉर्म एंड व्हील टाइप गियर बॉक्स है। इसमें सिंगल स्टेज में रिडक्शन होता है, एक वॉर्म शाफ्ट होता है और एक व्हील शाफ्ट होता है। इस टाइप के गियर बॉक्स का इस्तेमाल, जिसका गियर रेशियो 40:1 होता है, इंडस्ट्री में कन्वेयर बेल्ट के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।